नमस्कार आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। जी हाँ, वही महफिल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफसाने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफसाना कादिरा कसाई। ईदन बाई आगरे वाली छोटी ईद को पैदा हुई थी। यही वजह है कि उसकी माँ जोहरा जान ने उसका नाम इसी मुनासबत से ईदन रखा। जोहरा जान अपने वक्त की बहुत मशहूर गाने वाली थी। बड़ी दूर दूर से रईस उसका मुजरा सुनने के लिए आते थे। कहा जाता है कि मेरठ के एक ताजिर अब्दुल्ला से, जो लाखों में खेलता था, उसे मोहब्बत हो गई। उसे चुनाचे इसी जज्बे के मातहत अपना पेशा छोड़ दिया। अब्दुल्ला बहुत मुतासर हुआ और उसकी माहवार तनख्वाह मुकर्रर कर दी, कोई 300 रुपये के करीब। हफ्ते में 3 मरतबा उसके पास आता और रात ठहर कर सुबह सवेरे वहाँ से रवाना हो जाता। जो शख्स जोहरा जान को जानते हैं और आगरे के रहने वाले हैं, उनका बयान है कि उसका एक चाहने वाला बड़ा ही था, मगर वो उसे मुंह नहीं लगाती थी। वो बेचारा ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत वो मशक्क़त करता और 3-4 महीने के बाद रुपए जमा करके जोहरा जान के पास जाता, मगर वो उसे धुतकार देती। आखिर एक रोज़ उस बढ़ई को जोहरा जान से मुफसिल गुफ्तगू करने का मौका मिल ही गया। पहले तो वो कोई बात ना कर सका, इसलिए कि उस पर अपनी महबूबा के हुस्न का रोक तारी था। लेकिन उसने थोड़ी देर के बाद जुरत से काम लिया और उससे कहा, जोहरा जान, मैं गरीब आदमी हूँ। मुझे मालूम है कि बड़े बड़े धन वाले तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हारी हर अदा पर सैकड़ों रुपये निछावर करते हैं, लेकिन तुम्हें शायद ये बात मालूम नहीं कि गरीब की मोहब्बत धन वालों के लाखों रुपयों से बड़ी होती है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मालूम नहीं क्यों। जोहरा जान हंसी। उस हंसी से बढ़ई का दिल मजरूह हो गया। तुम हंसती हो, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाती हो, इसलिए कि ये कंगले की मोहब्बत है जो लकड़ियों को चीर कर अपनी रोजी कमाता है। याद रखो कि तुम्हारे लाखों में खेलने वाले तुम्हें वो मोहब्बत और प्यार नहीं दे सकते जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए मौजूद है। जोहरा जान उकता गई। उसने अपने मिरासी को बुलाया, उसे कहा, बढ़ई को बाहर निकाल दो, लेकिन वो इससे पहले ही चला गया। एक बरस के बाद ईदन पैदा हुई। उसका बाप अब्दुल्ला था या कोई और, इसके मुतालिक कोई वसूख से कुछ नहीं कह सकता। बास का ख्याल है कि वो गाजियाबाद के एक हिंदू सेठ के नुतफे से है। किसी के नुतफे से भी हो, मगर बला की खूबसूरत थी। उधर जोहरा जान की उम्र ढलती गई, इधर ईदन जवान होती गई। उसकी माँ ने उसको मौसीकी की बड़ी अच्छी तालीम दी। लड़की ज़हीन थी, कई उस्तादों से उसे सबक लिए और उनसे दाद वसूल की। जोहरा जान की उम्र अब 40 के करीब होगी। वो उस मंजिल से गुजर चुकी थी जब किसी तवायफ में कशिश बाकी रहती है। वो अपनी इकलौती लड़की ईदन के सहारे जी रही थी। अभी तक उसने उससे मुजरा नहीं कराया था। वो चाहती थी कि बहुत बड़ी तकरीब हो जिसका इफ्तिताह कोई राजा नवाब करे। ईदन बाई के हुस्न के चर्चे आम थे। दूर दूर तक अय्याश रईसों में उसके तस्करे होते थे। वो अपने एजेंटों को जोहरा जान के पास भेजते और ईदन की नकली उतारने के लिए अपनी अपनी पेशकश भेजते, मगर उसको इतनी जल्दी कोई भी न थी। वो चाहती थी कि नकली की रस्म बड़ी धूमधाम से हो और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वसूल करें। उसकी बेटी लाखों में एक थी। सारे शहर में उस जैसी और कोई लड़की नहीं थी। उसके हुस्न की नुमाइश करने के लिए वो हर जुमेरात की शाम को उसके साथ पैदल बाहर शहर को जाती। इश्क पेशा मर्द उसको देखते तो दिल थाम थाम लेते। फंसी फंसी चोली में गदराया हुआ चौबन, सुडौल बाहें, मखलूती उंगलियाँ जिनके नाखूनों पर जीता जीता लहू ऐसा रंग ठुमका सा कद, सुंदरियाले बाल, कदम कदम का कयामत ढाती थी। आखिर एक रोज़
زہرہ جان کی امید برائی۔ ایک نواب ایدھن پر ایسا لٹو ہوا کہ وہ منہ مانگے دام دینے پر رضامند ہو گیا۔ زہرہ جان نے اپنی بیٹی کی مسی کی رسم کے لیے بڑا اہتمام کیا اور کئی دیگیں پلاؤ اور متنجن کی چڑھائی گئی۔ شام کو نواب اپنی بگھی میں آئے، زہرہ جان نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی۔ نواب صاحب بڑے خوش ہوئے، ایدھن دلہن بنی ہوئی تھی۔ نواب صاحب کے ارشاد کے مطابق اس کا مجرا شروع ہوا۔ پھٹ پڑنے والا شباب تھا جو محو نغمہ سرائی تھا۔ ایدھن اس شام بلا کی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، اس کی ہر جنبش ہر ادا، اس کے گانے کا ہر سر جادو شکن تھا۔ نواب صاحب گاؤں تکیے کا سہارا لیے بیٹھے تھے، انہوں نے سوچا کہ آج رات وہ جنت کی سیر کریں گے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک بے ہنگم سا آدمی اندر داخل ہوا اور زہرہ جان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بہت گھبرائی، یہ وہی بڑھئی تھا، اس کا عاشق زار، بہت میلے اور گندے کپڑے پہنے تھا۔ نواب صاحب کو جو بہت نفاست پسند تھے، اکائی آنے لگی۔ انہوں نے زہرہ جان سے کہا، یہ کون بدتمیز ہے؟ بڑھئی مسکرایا، حضور میں ان کا عاشق ہوں۔ نواب صاحب کی طبیعت اور زیادہ مقدر ہو گئی۔ زہرہ جان نے کہا، نکالو اس حیوان کو باہر۔ بڑھئی نے اپنے تھیلے سے آری نکالی اور بڑی مضبوطی سے زہرہ جان کو پکڑ کر پھر گردن پر تیزی سے آری چلانا شروع کر دی۔ نواب صاحب اور میراثی وہاں سے بھاگ گئے۔ ایدھن بے ہوش ہو گئی۔ بڑھئی نے اپنا کام بڑے اطمینان سے ختم کیا اور لہو بھری آری اپنے تھیلے میں ڈال کر سیدھا تھانے گیا اور اقبال جرم کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے عمر قید کی سزا ہوئی۔ ایدھن کو اپنی ماں کے قتل ہونے کا اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ 2-2.5 مہینے تک بیمار رہی۔ ڈاکٹر کا خیال تھا کہ وہ زندہ نہیں رہے گی، مگر آہستہ آہستہ اس کی طبیعت سنبھلنے لگی، وہ اس قابل ہو گئی کہ چل پھر سکے۔ اسپتال میں اس کی تیمارداری صرف اس کے استاد اور میراثی ہی کرتے تھے۔ وہ نواب اور رئیس جو اس پر جان چھڑکتے تھے، بھولے سے بھی اس کو پوچھنے کے لیے نہ آئے۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو گئی اور آگرہ چھوڑ کر دہلی چلی آئی، مگر اس کی طبیعت اتنی اداس تھی کہ اس کا جی قطن مجرا کرنے کو نہیں چاہتا تھا۔ اس کے پاس 20-25 ہزار روپے کے زیورات تھے، جن میں آدھے اس کی مقتول ماں کے تھے۔ وہ انہیں بیچتی رہی اور گزارا کرتی رہی۔ عورت کو زیور بڑے عزیز ہوتے ہیں، اس کو بڑا دکھ ہوتا جب کوئی چوڑی یا نیکلس اونے پونے دام بیچتی، لیکن آخر کیا کرتی؟ اس کا جی ہی نہیں چاہتا تھا کہ راگ رنگ کی محفلیں قائم کرے۔ ان دنوں پاکستان کے قیام کا مطالبہ بڑے زوروں پر تھا۔ آخر ایک دن اعلان ہوا جو ایدھن نے اپنے 5-والیوم ریڈیو سیٹ پر سنا، کہ ہندوستان کے 2 حصے ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد فسادات شروع ہو گئے، ہندو مسلمانوں کو مارتے، مسلمان ہندوؤں کو۔ عجب عالم تھا، خون پانی سے بھی ارزاں ہو رہا تھا۔ مسلمان دھڑا دھڑ پاکستان جا رہے تھے کہ ان کی جانیں محفوظ رہیں۔ ایدھن نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ دہلی نہیں رہے گی، لاہور چلی جائے گی۔ بڑی مشکلوں سے اس نے اپنے کئی زیورات بیچ کر لاہور کا راستہ لیا، لیکن راستے میں اس کے تمام بیش قیمت پیشوازیں اور باقی باندھا زیور اس کے اپنے مسلمان بھائیوں نے ہی غائب کر دیے۔ کہ وہ لاہور پہنچی تو وہ لٹی پٹی تھی، لیکن اس کا حسن ویسے کا ویسا تھا۔ دہلی سے لاہور آتے ہوئے ہزاروں للچائی ہوئی آنکھوں نے اس کی طرف دیکھا، مگر اس نے بے اعتمائی بڑھتی۔ وہ جب لاہور پہنچی تو اسے سوچا کہ زندگی بسر کیسے ہوگی، اس کے پاس تو چنے کھانے کے لیے بھی چند پیسے نہیں تھے۔ لیکن لڑکی ذہین تھی، سیدھی اس جگہ پہنچی جہاں اس کی ہم پیشہ رہتی تھی۔ یہاں اس کی بڑی آؤ بھگت کی گئی۔ اس دن لاہور میں روپیہ عام تھا، ہندو جو کچھ یہاں چھوڑ گئے مسلمانوں کی ملکیت بن گیا تھا۔ ہیرا منڈی کے وارے نہارے تھے۔ ایدھن کو جب لوگوں نے دیکھا تو وہ اس کے عاشق ہو گئے۔
रात भर उसकी सैकड़ों गाने सुनने की फरमाइशें पूरी करना पड़ती। सुबह 4 बजे करीब जबकि उसकी आवाज़ जवाब दे चुकी होती, वो अपने सामेईन से माजरत तलब करती और औंधे मुंह अपनी चारपाई पर लेट जाती। ये सिलसिला करीब करीब 1.5 बरस तक जारी रहा। ईदन उसके बाद एक अलहदा कोटा किराए पर लेकर वहाँ उठाई, क्योंकि जहाँ वो मुकीम थी उस नायिका को उसे अपनी आधी आमदनी देना पड़ती थी। जब उसने अलहदा अपने कोठे पर मुजरा करना शुरू किया तो उसकी आमदनी में इजाफा हो गया। अब उसे हर किस्म की फरागत हासिल थी। उसने कई जेवर बनवा लिए, कपड़े भी अच्छे से अच्छे तैयार करवा लिए। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो ब्लैक मार्केट का बादशाह था। उसने कम से कम 2 करोड़ रुपए कमाए थे, खूबसूरत था, उसके पास 3 कारें थीं। पहली ही मुलाकात पर वो ईदन के हुस्न से इस कदर मुतासर हुआ कि उसने अपनी खुली सफ़ेद पे कार्ड उसके हवाले कर दी। इसके अलावा वो हर शाम आता और कम से कम 250 रुपये उसकी नज़र ज़रूर करता। एक शाम वो आया तो चांदनी किसी कदर मैली हो चुकी थी। उसने ईदन से पूछा, क्या बात है, आज तुम्हारी चांदनी इतनी गंदी है? ईदन ने एक अदा के साथ जवाब दिया, आजकल लट्ठा मिलता कहाँ है। दूसरे दिन उस ब्लैक मार्केट के बादशाह ने 40 थान लट्ठे के भिजवा दिए। उसके तीसरे रोज बाद उसने 2500 रुपये दिए कि ईदन अपने घर की आराइश का सामान खरीद ले। ईदन को अच्छा गोश्त खाने का बहुत शौक था। जब वो आगरे और दिल्ली में थी तो उसे उम्दा गोश्त नहीं मिलता था, मगर लाहौर में उसे कादिरा कसाई बेहतरीन गोश्त मुहैया कराता था। बगैर रेशे की हर बोटी ऐसी होती जैसे रेशम की बनी हो। दुकान पर अपना शागिर्द बिठाकर कादिरा सुबह सवेरे आता और देर से गोश्त की बोटी बोटी फड़क रही होती ईदन के हवाले कर देता। उससे देर तक बातें करता रहता जो आमतौर पर गोश्त के ही बारे में होती थी। ब्लैक मार्केट का बादशाह, जिसका नाम जफर शाह था, ईदन के इश्क में बुरी तरह से गिरफ्तार हो चुका था। उसने एक शाम ईदन से कहा कि वो अपनी सारी जायदाद मनकूला और गैर मनकूला उसके नाम मुंतकिल करने के लिए तैयार है अगर वो उससे शादी कर ले, मगर ईदन ना मानी। जफर शाह बहुत मायूस हुआ। उसने कई बार कोशिश की कि ईदन उसकी हो जाए, मगर हर बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। वो मुजरे से फारिग होकर रात के 2-3 बजे करीब बाहर निकल जाती, मालूम नहीं कहाँ। एक रात जब जफर शाह अपना गम गलत करके यानी शराब पीकर पैदल ही चला आ रहा था तो उसने देखा कि साई के तकिए के बाहर ईदन एक नहायत बदनुमा आदमी के पांव पकड़े इल्तिजा कर रही है, खुदा के लिए मुझ पर नजर करम करो, मैं दिलो जान से तुम पर फिदा हूँ, तुम इतने जालिम क्यों हो? और वो शख्स जिसे गौर से देखने पर सफर शाह ने पहचान लिया कि कादिरा कसाई है जो उसे धुतकार रहा है, जा, हमने आज तक किसी कंजरी को मुंह नहीं लगाया, मुझे तंग ना किया कर। कादिरा उसे ठोकरे मारता रहा और ईदन इसी में लज्जत महसूस करती रही। तो ये थी आज की कहानी, कादिरा कसाई। कल फिर आऊँगा, एक और कहानी सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।